भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाली पार्टी है। अमित शाह की आजमगढ़ की रैली फ्लाप रही और बुरी तरह फ्लाप रही। जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी है तमाम जगहों पर, इनके सीटिंग एमपी हार गए, विधायक हार गए आपके हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। यही फूलपुर में ट्रामा सेंटर 2012 से बन रहा है, 2022 पांच साल का समय हो गया, एक ट्रामा सेंटर का निर्माण पूरा नहीं करा पाए। केवल ये नाटकबाजी कर रहे हैं। महंगाई भी एक शब्द अमित शाह नहीं बोले, महंगाई भी योगी आदित्यनाथ एक शब्द नहीं बोले। दोस्तों नमस्कार, मैं ब्रजेंद्र यादव, आज उपस्थित हूं मैं द कंटाप के लिए। बात करेंगे आज अमित शाह बनारस और आजमगढ़ दो जगह आए थे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश को में 35 साल हम राज करेंगे, सपा बसपा कांग्रेस अब जीत नहीं पाएंगे, क्या कहेंगे इनके ऊपर? देखिए अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं कि हम 35 साल तक राज करेंगे, इसका खुलासा तो इसी से हो गया कि जो इनकी रैलियां हुई उसमें केवल सरकारी कर्मचारी थे, कोटेदार थे, प्रधान को जबरदस्ती पैसा दे करके बसों को ले जाया गया, और बनारस में रेलवे कर्मचारियों की छुट्टी करा के संकुल धारा में जो कार्यक्रम था उसमें रेलवे कर्मचारियों को वहाँ ले जाया गया। मैं आपको बता दूं कि यहीं पवई जहाँ हम खड़े हैं, फूलपुर पवई विधानसभा में जनता एक आदमी इनको नहीं मिला। रात भर एडीओ पंचायत, बीडीओ सेक्रेटरी इस बात को लेकर मैनेज करते रहे किस तरह से जाएंगे। एक एक सेक्रेटरी को 6-6 लोगों को लेकर जाना था, एक गाड़ी उसकी उसको लेकर जानी थी। बताइए सेक्रेटरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है? लेखपाल भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है? प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की ड्यूटी, स्कूल बंद करा दिया और स्कूल बंद करा के स्कूल की बसों को जबरिया जो है आजमगढ़ में अमित शाह की रैली में ले जाया गया। इसके बावजूद अमित शाह की आजमगढ़ की रैली फ्लाप रही और बुरी तरह फ्लाप रही। और हम तो देखे कि जो बड़े नेता हैं, विधायक और ये लोग 20-25 गाड़ियों से ज़्यादा नहीं ले जा पाए। जो 70-75 हज़ार वोट पाने का दावा करते हैं, तो सवाल ये है कि अमित शाह की रैली पूरी तरह फ्लाप रही। और ये आजमगढ़ में जिस विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ महापंडित राहुल सांकृतायन की यह धरती है, सिबली नुमानी की यह धरती है, ये बुद्धिजीवियों का इलाका है। आखिर वहाँ पर चंडेसर है, सिबली नहीं, ऐसी जगह बनाने का कोई औचित्य नहीं है। पश्चिमी इनको अगर बनाना था तो फूलपुर पवई विधानसभा से इनका MLA था, यहाँ बनाना चाहिए था। और यहाँ चार जिले जुड़ते हैं, जौनपुर, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, आजमगढ़, ये यहाँ अगर ये इनको बनाना ही था वहाँ तो वैसे ही चंडेसर महाविद्यालय है, DAV PG कॉलेज है, सिबली जैसा जिसको पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है वहीं है। तो इस तरह के अगर वहाँ है, और पश्चिमी क्षेत्र जहाँ पे कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कोई बड़ा डिग्री कॉलेज नहीं है, तो आजमगढ़ के पश्चिमी हिस्से में यहाँ के बच्चा अगर पढ़ने जाएगा तो कहाँ जाता है? अवध विश्वविद्यालय। देखिए यहाँ के बच्चे जो जाते हैं लखनऊ जाते हैं, विद्यापीठ बनारस जाते हैं, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, दिल्ली की यूनिवर्सिटियों में जाते हैं। यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, और जबकि यह बौद्धिक क्षमता का इलाका है। अगर सरकारी विभागों में चयन प्रक्रिया होती है तो इस इलाके में कभी ऐसा नहीं होता है कि बड़े संख्या में लड़के IAS IPS समीक्षा अधिकारी मास्टर डॉक्टर यहाँ से होते हैं। तो अगर यह सुविधा यहीं पर मुहैया हो जाए, यहीं पर मिलने लगे, तो आखिर हम जैसे किसान जो है अपने बच्चों को इलाहाबाद जो भेजते हैं, जो जहाँ सीलन भरे कमरों में बैठ के पढ़ने के हाँ बच्चे मजबूर हैं, 8x8 के कमरों में बच्चे फंसते हैं, वो उससे तो निजात मिलता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को या अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं, उन्होंने नाम भी आपकी बार दे दिया है। हाँ दिया नाम, लेकिन यूनिवर्सिटियों में सुहेल देव के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। आजमगढ़ को उन्होंने आर्यमगढ़ कह दिया। देखिए आजमगढ़ एक अपनी परंपरा है, आजमगढ़ कैफी का आजमगढ़ है, सिबली नुमानी का आजमगढ़ है, महापंडित राहुल सांकृतायन का आजमगढ़ है, दुर्भाषा ऋषि का, महर्षि दुर्भाषा का आजमगढ़ है। तो आजमगढ़ जो है, और ये जो फर्जी बात कर रहे हैं, इनको शिक्षा से अगर मतलब होता तो क्यों यूनिवर्सिटी संविदा पे प्रोफेसर रख रहे हैं? आज BHU जैसी यूनिवर्सिटी में, विद्यापीठ जैसी यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद जैसी यूनिवर्सिटी में अध्यापक नहीं है।
वहाँ भी जो नौजवान पीएचडी करके आ रहा है 15,000-20,000 उसका शोषण कर रहे हैं, उससे पढ़वा रहे हैं, तो आज यूनिवर्सिटियों में पोस्ट खाली है। तो हालत ये है कि आप अध्यापक दे नहीं रहे हैं। ये अंबारी में GGIC है, गवर्नमेंट PG कॉलेज है, BSc की मान्यता 4 साल से मिली हुई है। अंबारी में BSc की मान्यता वहाँ 4 साल से मिली हुई है, लेकिन कक्षाओं का संचालन अभी तक नहीं हो रहा है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि यही फूलपुर में ट्रामा सेंटर 2012 से बन रहा है, योगी बाबा जाने वाले स्थिति में आ गए हैं। 2017 से 2022 5 साल का समय हो गया, एक ट्रामा सेंटर का निर्माण पूरा नहीं करा पाए। मेडिकल कॉलेज आप चाहे लगे विधायक के अंतर्गत आता है, देखिए बिल्कुल BJP के विधायक हैं और उनके क्षेत्र में ट्रामा सेंटर नहीं बना। तो सवाल ये है कि केवल ये नाटकबाजी कर रहे हैं। महंगाई भी एक शब्द अमित शाह नहीं बोले, महंगाई भी योगी आदित्यनाथ एक शब्द नहीं बोले। तो अब तो होली तक आपको राशन मिलेगा फ्री में? नहीं, सवाल देखिए, अगर राशन ये पैमाना होता कि महंगाई घट जाएगी राशन देने से तो हम उनकी बात मान लेते, लेकिन महंगाई घटेगी डीजल का दाम घटाने से, महंगाई घटेगी पेट्रोल का दाम घटाने से, महंगाई घटेगी रसोई गैस का दाम घटाने से। तो अमित शाह जी की जो रैली हो रही है, पूर्वांचल में दौरा कर रहे हैं, अखिलेश जी उनके गढ़ में गोरखपुर गए थे, देखिए अखिलेश जी उन्हीं के पिच पे लड़ रहे हैं। अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ की पिच पे जाकर लड़ रहे हैं, वो भी क्या जरूरत है उनको जिन्ना कौन सा जिन्न निकालेंगे। ये दौर जो ये भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने वाली पार्टी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ लें कि हम लोग किसान हैं। हर हर महादेव अकबर हूँ अल्लाह का नारा एक ही मन से और एक ही जगह पर लग रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, ये एक बार उसे गांव में कहते हैं ना अनहरे खाते बटेर लग गए, तो योगी बाबा के हाथे हुए अनहरे खाते बटेर लग गए। 2022 में इनके समझ में आ जाए कि आप कह रहे लेकिन जनता नहीं कह रही। अभी देखिए आप बताइए क्या कहेंगे उसके ऊपर, तो जो आज रैली हुई कैसी देख रहे हैं? देखिए रैली तो प्लाप रही, और उनके रैली में जिंदाबाद के नारे लगे। देखिए वो तो खैर अलग बात है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कर्मचारियों को इकट्ठा करके, आशा बहुओं को इकट्ठा किया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया, AD और BDO सारे लोग लगे थे, तो और इस तरह से अगर कार्यक्रम अभी बनारस में इनका हुआ था, मोदी जी की रैली हुई थी, वहाँ सीटें खाली थी, अमित शाह जी वहाँ मैनेजमेंट करने गए थे, आए यहाँ की भी इनकी सीट पूरी भरी नहीं, पूरा सफल रैली इनकी नहीं रही, मैं ये कहना चाहता हूँ। सफल रैली उन्होंने लेकिन कहा होली तक आपको राशन मिलेंगे। देखिए ऐसा है, मोदी जी की देन ये राशन क्या खैरात दे रहे हैं, राशन जनता को ज़रूरत ही नहीं है। आप महंगाई कम कीजिए, जब आप महंगाई कम कर देंगे सारी चीज़ें सस्ती हो, डीजल कम करिए। आज जो धान है किसान का काटने की जो हार्वेस्टर आई है वो पहले 1200 काट रही थी, आज 2500 काट रहा, वो किसान का लागत बढ़ता चला जा रहा है ना, और जब लागत बढ़ती चली जाएगी जो सामान आपको लेना है वो महंगा पड़ेगा। GST आप कम कर दीजिए, आप जो उत्पाद शुल्क ले रहे हैं पेट्रोल पे डीजल पे उसको कम, विकास कैसे होगा? देखिए विकास विनाश के दम पर नहीं होना चाहिए। आप किसी की गला काट लीजिए, कह दीजिए कि विकास कर लें, विकास क्या हो रहा है? 7,500 करोड़ रुपए विज्ञापन दिया जा रहा है, यही आपने अगर नहीं पता हो जान लीजिए, PWD के लोगों से 40 लाख रुपए लेकर के 50 लाख रुपए लेकर के रैली किया गया। ये पैसा कहाँ से आएगा? जो हमारे कर्मचारी हैं, ब्लॉक के कर्मचारी हैं, जो विद्यालयों में अध्यापक हैं, इनसे जो पैसा खर्च कराया जा रहा है वो पैसा कहाँ से आएगा? जो महिलाएं गए उनको 300-300 रुपये सुना दिया गया। देखिए वो तो अभी महिलाओं को पैसा दिया गया, कहा गया कि ये सीजन चल रहा है, कटाई सीजन चल रहा है, फसल लोग अपनी काट रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, नहीं सरकार के पास तो पैसा है, पैसा उड़ा के खर्च कर रही है और इसके बाद कहेगी हम विकास कर रहे हैं, ये विकास तो है नहीं। विकास ये है कि आप जो है रोजगार दीजिए, आप किसान DAP ने आज योगी जी ने जो कहा रोजगार दिए 4.5 लाख रुपए कहा दिए 7 लाख से ज्यादा। ऐसा है ये रोजगार जैसे ये जिस तरह का रोजगार गिना रहे हैं, आपने देखा इस तरह का रोजगार तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत पहले दे दिया था, मनरेगा तो कांग्रेस का लाया हुआ है ना, उसको भी रोजगार गिनाते हैं। जो बेरोजगार लड़के हैं जो तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जो पढ़ रहे अपने घर से जा करके निकल करके, उनको कितना रोजगार दिया, कितनी जगह भरी गई, बच्चे 7 लाख हुए हैं सब मिला। हम कहते हैं ना तो उन्हीं को रोजगार दीजिए ना, अगर आप उनको रोजगार देंगे और अवसर जब मिलेगा। दूसरी चीज उद्योग एकदम चौपट हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए, अभी इन्होंने जो कोरोना पीरियड था, जो GST लगाया, जो नोटबंदी किया, उससे पूरा देश तबाह हो गया। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये सरकार जो कर रही नोटबंदी, इसका परिणाम आने वाले दिनों में होगा, आप देख रहे हैं उसका परिणाम है। और विधानसभाओं का जो चुनाव हुआ है,
जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी है तमाम जगहों पर, इनके सीटिंग एमपी हार गए, विधायक हार गए आपके हिमाचल प्रदेश में, तब इनको सूझ आई कि पेट्रोलियम और डीजल का दाम कम कर दिया जाए। आखिर क्यों कम कर दिया? इसके कंपनियां, अब क्या कंपनियां बढ़ नहीं रही है क्या? क्रूड ऑयल, अब क्रूड ऑयल जब 140 रुपये डॉलर प्रति बैरल था तो यहाँ भारत में 55 रुपये आपका पेट्रोल मिलता था, 35 रुपये डीजल मिलता था, लेकिन आज 80 डॉलर प्रति बैरल जो है पेट्रोलियम वहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है और तेल का भाव मिल रहा है 117 तक चला गया। अभी ये कहते हैं हमने 10 रुपये कम कर दिया, फिर बढ़ा दे रहे हैं। देखिए ये जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, जनता इनसे निजात पाना चाहती है।